जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल सेकेंड शिफ्ट 23 अगस्त 2024। तो ये जीके का प्रश्न देखते हैं, जीके जीएस का। उधर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14। एनपीए का पूर्ण रूप है, एनपीए का पूर्ण रूप है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? सेरा नृत्य मनाया जाता है तो यह है ललितपुर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, परमाणु हथियारों के उत्पादन पर प्रतिबंध। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? खेल के क्षेत्र में। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो यह है अब्दुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन जो है ए 98.96। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है, 1993 मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने को अपनाया? तो ऑप्शन सी, वियना घोषणा। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया? तो ऑप्शन ए 42 संविधान संशोधन में कहा गया है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, प्रस्तावना और दिशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो ऑप्शन डी, संप्रभुता को। यहाँ पर भरना है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो ऑप्शन डी फायरवॉल, ऑप्शन डी भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीति उपयोग के लिए क्या शब्द है? तो ऑप्शन जो है बी, सामाजिक नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, भूटान की राजधानी का है थिम्पू। भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु है। क्वेश्चन नंबर 73 दिया, सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? अगस्त 1998 में। क्वेश्चन नंबर 74 दिया, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़कर। क्वेश्चन नंबर 75 दिया, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? राहुल गांधी है लोकसभा के, और राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 दिया, तुगलक नामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अमीर खुसरो हैं। क्वेश्चन नंबर 77 दिया, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? ऑप्शन ए अक्षय, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 78 दिया है, वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो ऑप्शन डी, यूएनसीसीटी।
क्वेश्चन नंबर 79 है, दूध उत्पाद ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है? 5%। चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024-25 तक होने की संभावना है? आर्टिमिस। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन क्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित की व्यवहारता प्रदर्शित करना, तो ऑप्शन जो है ए, ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन। क्वेश्चन नंबर 82 दिया, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? सड़क मार्ग से। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के तौर के रूप में मनाया जाता है? दीपावली मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है? सेवा कर। निम्नलिखित में से किससे ने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 87 दिया, भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? मध्य प्रदेश। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शांति भंग का आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन कौन है? सलमान रुशदी। क्वेश्चन नंबर 89 है, सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य हरियाणा है। जनसंख्या डी का घनत्व, ऑप्शन डी, डी बराबर एन बटा यस, संख्या बटा स्पेस। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह को नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्थान दिया गया, चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 94 दिया है, चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? 1950 में। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? मेंढक को। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस जीएस प्रश्न समाप्त हो गए हैं।